हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके एन सारी बुक्स एंड में। और आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की प्रवक्ता से भर्ती के बारे में। तो आखिर इसका जो पेपर होगा वो कब होगा, सबसे पहले आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है आपकी स्क्रीनिंग परीक्षा होगी, उसके बाद ही आपके यहाँ पर सब्जेक्टिव पेपर का पेपर यहाँ पर जो है पेपर कराया जाएगा। स्क्रीनिंग परीक्षा आपको पता होगा कितने नंबर का है और सब कुछ मैंने डिटेल में दे रखा है, और सिलेबस क्या है सबको पता होगा। और उसमें जो है सब कुछ आ रहा है, हिंदी, जीके, मैथ, रीजनिंग सब कुछ है टोटली यहाँ पर दे रखा है। अगर आप उसको पास करोगे तभी आपका यहाँ पर जो है सब्जेक्टिव पेपर दे पाओगे, अदरवाइज आप पाओगे। और यहाँ पर जो स्क्रीनिंग परीक्षा में आपको पास करने का वो है, यानी कि एक पोस्ट पर जो है उसका जो है 3 गुना यहाँ पर बुलाए जाएंगे, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और इसमें जो है आरटीआई के द्वारा, आपको पता होगा मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में, और एक पोस्ट के लिए जो है आपको 3 अभ्यर्थी का यहाँ पर सिलेक्शन करना है सब्जेक्टिव पेपर के लिए, ठीक है। और उसके बाद से यहाँ पर आपका सिलेक्शन होगा सब्जेक्टिव पेपर के बेस पर। सब्जेक्टिव पेपर में जितने आपके नंबर होंगे उसी के आधार पर जो है आपकी यहाँ पर मेरिट बनेगी। और ये जो है इसकी लास्ट डेट यहाँ पर 30 दिसंबर इसकी लास्ट डेट रखी गई है, और 15 जनवरी जो है इसकी फॉर्म को भेजने की लास्ट डेट रखी गई है। और जल्दी से यहाँ पर आवेदन कर लें क्योंकि यहाँ पर काफ़ी कम समय बचा है, क्योंकि लास्ट टाइम में जो है आप अगर सेंड करोगे पोस्ट स्पीड पोस्ट या किसी से तो आपका जो है फॉर्म हो सकता है कि एक्सेप्ट ना हो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दिक्कत यहाँ पर होती है। और रही इसकी परीक्षा के बारे में, काफ़ी लोग यहाँ पर कह रहे थे कि 23 मार्च को जो है इसका यहाँ पर पेपर है, ये ऐसे यूट्यूब में जो है बता रहे, कुछ लोग ऐसे ऐसे कह रहे थे यूट्यूब। अब मुझे नहीं पता कौन यहाँ पर बता रहा था, क्योंकि यहाँ पर जो है क्या काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था कि क्या इसकी जो परीक्षा तिथि है वो घोषित हो चुकी है, और यहाँ पर जो है प्रवक्ता के जो पेपर है वो कब तक होगा, ऑफिशियल यहाँ पर नोटिफिकेशन कब तक आएगा, सब कुछ यहाँ पर बताया गया था, कहा गया था मुझसे कि यहाँ पर जो कब होगा। ये काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे कि 23 मार्च को पेपर यहाँ पर होगा, और मुझे नहीं बताया किसने यहाँ पर 23 मार्च को पेपर बता रखा है। लेकिन यहाँ पर जो है पॉसिबिलिटीज़ है कि मार्च अप्रैल के मंथ में, मार्च लास्ट में और अप्रैल फर्स्ट वीक में जो है आपका यहाँ पर स्क्रीनिंग परीक्षा यहाँ पर हो जाए। काफ़ी लोग कह रहे थे कि इसकी जो है डेट फिक्स हो गई है, 23 मार्च को यहाँ पर पेपर है बता रहे थे काफ़ी लोग। तो इसी वजह से यहाँ पर वीडियो बना रहा, क्योंकि यहाँ पर जो है आपको कोई भी जो है गुमराह ना करें, क्योंकि यहाँ पर आपको बताऊँ कि अभी तक ऑफिशियल नहीं आ रखा है इसकी डेट, और इसमें जो है परीक्षा तिथि जल्दी यहाँ पर घोषित हो जाएगी आपकी। क्योंकि काफ़ी लोगों के कमेंट थे कि मार्च में जो है पेपर है, मार्च में पेपर है और यहाँ पर 23 मार्च को है, ऐसे कुछ काफ़ी लोग कमेंट करते, ग्रुप में भी यही डिस्कशन चल रही थी। तो इसी वजह से यहाँ पर जो है मैं वीडियो बना के लाया हूँ आप तक। और आपकी जो परीक्षा है वह मार्च अप्रैल में यहाँ पर हो जाएगी स्क्रीनिंग का, और उसके बाद से 2-3 महीने के बाद से आपका यहाँ पर जो है सब्जेक्टिव हो जाएगा, यानी कि आपकी जो पॉसिबिलिटीज है पूरी की पूरी होने की, जून जुलाई तक जो है ये पेपर आपका कंप्लीट हो जाएगा ये आपका, ठीक है। तो ये जो सब्जेक्टिव पेपर है वो जून जुलाई तक कंप्लीट हो जाएगा, और अप्रैल मंथ में आपका यहाँ पर पॉसिबल है कि ये पेपर आपका स्क्रीनिंग वाला यहाँ पर हो जाए। और वहीं काफ़ी लोग ये भी कह रहे थे कि LT का एग्ज़ाम पहले होगा या प्रवक्ता का, तो आपको बता दूँ कि यहाँ पर जो है LT प्रवक्ता ऐसा कुछ नहीं है, किसी की भी डेट आगे आ सकती है, ऐसा कुछ नहीं कि LT का पहला हो या प्रवक्ता का पहला हो। तो काफ़ी लोग वहाँ पर भी कह रहे थे कि LT का पहले होगा और प्रवक्ता का पहले होगा, कुछ लोग ऐसे कह रहे थे। तो पॉसिबल है कि आपका जो LT का होगा मई तक यहाँ पर जो है डेट जाए, क्योंकि काफ़ी लंबा समय जा सकता है यहाँ पर UK के बाद, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पोस्ट अभी जो है पेपर कराने बाकी हैं। लेकिन UKPSC के पास जो है अभी कोई भी ज़्यादा पेपर नहीं है, कुछ एक पेपर बचे हैं वो जल्दी यहाँ पर करा देगा, और उसके बाद से आपका प्रवक्ता का ही आप नंबर यहाँ पे आता है। तो इसी वजह से आपका जो स्क्रीनिंग परीक्षा होगी वो मार्च लास्ट में और अप्रैल फर्स्ट वीक में आपका अप्रैल तक जो है कंप्लीट यहाँ पर हो जाएगा। तो चलिए बनते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, और आई होप कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा आप सभी का।